बहुचर्चित समाजसेवी दिलीप कामिलांक आक्रमण घटना नेला भिन्न एक मोड़। तीन दिन भीतर आक्रमणकारी को गिरफ करानगले 1000 अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेविका भोगराई तहसील घेराउ करने दे चेतावनी। गत मे 24 तारीख में बालेश्वर जिला भोगराई ब्लक चंदनेश्वर बजार में समाजसेवी दिलीप कामिला पूर्व शत्रुता को आधार कर मरणातंक आक्रमण होता। एथिरे गुरुतर आहत हो एक दुकान बारंडार पड़ देखा मिलता। यह घटनार प्रत्यक्षदर्शी तालसारी मेराइन थाना रे दुई गृहरक्षी घटनास्थल दिलीप कामिला उद्धार कर थाना को खबर देते। पर आक्रमण मुख्य अभियुक्त और सहयोगी विरुद्ध मेराइन थाना न्यायपाई पर पक्षर अभियोग होते पुलिस केवल जने सहयोगी अभियुक्त को गिरफ्त कर हाथ बांधि बसी। आक्रमण घटनार मुख्य अभियुक्त अभिजित पंडा स्थानीय हुगुली पंचायत बाहुबली शासक दलर प्रभावशाली सरपंच एवं बालेश्वर जिला बीजेडी दल संपादक तपन पंडा पुत्र होइतबारु मेराइन पुलिस चापरे रही जाणीशुणी गिरफ्त करूना। केवल गोटे घटना नुहे हुगुली पंचायत विभिन्न अनियमितता एवं प्रसिद्ध चंदनेश्वर शैवपीठर कोटि कोटि टंकार उत्सग शाग माछ दर में तपन पंडा परिवार लीज नेबाकु श्रीजुक्त कामिला विरोध कर आसुथिले। यह घटन स्थानीय सरपंच पु असामाजिक युवक मानू बारंबार दिलीप कमला संगबद्ध आक्रमण करुले। प्रशासन सबू जाणी चुप रहिबार घटना साधारण चर्चार विषय पलटि। गोटेपटे हस्पिटाल रही दिलीप कामिला मरण सहित संग्राम करुवा बेले अंपटे स्त्री न्याय पाइबापी ए द्वार से द्वार हो प्रतिवाद करने कौन अभिशाप। घटना समय गृहरक्षी मानक द्वारा खबर दि जाइले थाना को 6 किलोमीटर दूर से पहुँचापी पुलिस कहीं विलंब कला। यह एक मिलित षड्यंत्र कि घटना को एक सप्ताह बीती जाइले पुलिस कहा चापर मुख्य अभियुक्त को कहीं गिरफ्त करूना। यह कथा स्थानीय अंचल चर्चार विषय साजिश। तेरे आगामी 2 दिन मध्य मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त करानगले स्थानीय जनसाधारण और राष्ट्रीय स्वयंसेवी मानक द्वारा भोगराई तहसील घेराव चेतावनी दी जाए। आज आसती मानते 24 तारीख दिन रातिर मो स्वामी मरणात्मक आक्रमण होहाफल मु तहसीलदार को गोटे मेमोरेंडम देवाप आसती मुख्यमंत्री को एवं तहसीलदार दाबी मोर है मो स्वामी को न्याय न मिली से पर्यटन मेमोरेंडम दे 4 दिन भितर जदि से नधरा हला कि न किसी कराला ताहले मु शताधिक महिला मु जने राष्ट्र स्वयंसेविकार परिवार मु शताधिक महिला मानंकु मु धारणा रे बसि। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा हालचाल।